हमारे धरती में अनेक तरह के जानवर पाए जाते हैं। उनमें से कुछ ऐसे भी हैं जिन्हें सिर्फ जलाने से वो फट जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, कुछ जानवरों को जलाने से वो फट सकते हैं और कुछ ऐसे जानवर भी हैं जिन्हें पानी में डालने से उनका रंग ही बदल जाता है। हमारे धरती में अनेक रहस्य छुपे पड़े हैं, जिनमें से कई सारे रहस्यों को हमारे कमाल के साइंटिस्टों ने मिलकर ढूंढ निकाला है, जिन्हें सुनने के बाद आप सभी लोग हैरान हो जाएंगे। सो नमस्कार, वेलकम दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लाए हैं आप सभी लोगों के लिए जानवरों से रिलेटेड अमेजिंग फैक्ट्स, जिन्हें सुनने के बाद आप सभी लोग हैरान हो जाएंगे। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहे दोस्तों, और अगर आपको आना वीडियो ज़रा भी पसंद आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। स्पाइडर द बॉम्ब, क्या आपको पता है स्पाइडर में वेनम नाम का ऐसा एक केमिकल पाया जाता है जिससे जलाने से वो फट भी सकता है। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना। अभी आपको हैरान होने की कोई ज़रूरत नहीं है गाइस, क्योंकि अभी आपको ऐसे ही और भी अमेजिंग फैक्ट्स पता चलने वाले, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। फैक्ट नंबर टू, कलर। टाइगर को तो हम सभी लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, पर आप लोग ने तो इसे सिर्फ जू में या तो मोबाइल में देखा होगा, पर आपको क्या पता है टाइगर की कुछ ऐसी स्पीशीज भी है जैसे कि चाइना की स्पीशीज और भारत की कुछ स्पीशीज, जिसे पानी में डालने से उनका रंग ही बदल जाता है। जी हाँ गाइस, उनका रंग सफेद हो जाता है। में से कई सारे लोग आर्माडिलो को नहीं जानते होंगे। जी हाँ मुझे पता है गाइस, पर आपको पता है इसका शेल इतना मजबूत होता है कि अगर कोई ना इसका शिकार करना चाहता है तो गोली से बिल्कुल नहीं कर सकता। जी हाँ गाइस, इसका कवच गोली तक नहीं भेद सकता। पानी में रहने वाले जीव जैसे मछलियाँ, कछुए, पानी के सांप और व्हेल इत्यादि, इन लोग को एक नियमित समय पर पानी से बाहर आना होगा, नहीं तो वो लोग हवा के तंगी में पानी में डूब सकते हैं गाइस। जी हाँ, आप सभी में से कई को लगता होगा कि सांप मांसाहारी है, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। सांप हमारी तरह ओमनिवोरस वाली जाति में आते हैं, क्योंकि एक कभी कभी है ना इंसानी खाना भी खा सकते हैं। जिंदगी में कभी आपको मगरमच्छ से कभी सामना हुआ तो आपको सिंपली उसके नेत्र कोलक में अपना हाथ डाल देना है जिस तरह इन्होंने किया है, इससे आपकी जान भी बच सकती है। चॉकलेट लेब्राडोर कुत्ते कभी धूप में नहीं आ सकते गाइस, क्योंकि कई साइंटिस्टों का मानना है अगर ये लोग धूप में आते तो इन लोग पिघल भी सकते हैं, इसलिए ये कोई ठंडी जगह में ही पाए जाते हैं, जैसे फिनलैंड, आयरलैंड, ये सब जैसे बर्फीले इलाकों में ही ये मिलते हैं। और आपको बता दें कि इन लोग का जन्म बिल्कुल कुत्ते जैसा ही हुआ है। अपनी राय वीडियो के कमेंट बॉक्स में देना बिल्कुल नहीं भूलेगा गाइस। आप सभी ने बिल्लियों की आंख रात में ज़रूर देखी होगी, बिल्कुल चमकती है, पर आपको पता है इसका वजह क्या है? बिल्लियों की आंखों में एक ऐसा केमिकल पाया जाता है जिसको हम लोग कहते हैं ल्यूमिनियस फेड, जिससे छोटी सी उजाला भी कई गुना तक रिफ्लेक्ट हो जाती है गाइस। जिन भी जानवरों का रात में आँख चमकता है वो रात में बिल्कुल साफ साफ देख सकते हैं गाइस, इसीलिए हम लोग का आँख रात में बिल्कुल नहीं चमकता, क्योंकि हम लोग रात में बिल्कुल भी नहीं देख सकते हैं। 21वीं सदी में बिल्लियाँ एक घंटे में बैटरी चार्ज करना चाहती है, इसीलिए कई देशों के साइंटिस्ट इस पर काम कर रहे हैं ताकि बिजली की उत्पादन में सुधार ला सके। सन 2006 से कई भारतीय साइंटिस्ट महिलाएं ना इसी बात पे काम कर रही है ताकि सांप और बिल्ली की डीएनए को मिला के बिजली की उत्पादन में सुधार ला सके। आपको बता दें ओपोसम नाम का एक ऐसा जानवर भी है जिन्हें जाल से बिल्कुल भी नहीं पकड़ा जा सकता, क्योंकि इनका शरीर इतना ढल चुका है कि कोई भी जाल इन्हें नहीं पकड़ सकता। अगर कोई जाल इसे पकड़ने की कोशिश भी करता है तो जल्दी टूट जाता है। जैगुआर, जैगुआर को तो आप जरूर जानते होंगे। जैगुआर को जानवरों का लाइफ बोट भी कहा जाता है, क्योंकि ये कोई भी जानवर जब डूबता है तो उसे बचाने की पूरी कोशिश करता है, और जैगुआर कई कलर के हो सकते हैं, और आपने जैगुआर को तो खाली मोबाइल और जूम में ज़रूर देखा होगा। जैगुआर एक कैट की स्पीशीज होती है। ड्रैगन फ्लाई जब भी मेट करते हैं तो उनका पूंछ का साइज कुछ दिल प्रकार का होता है। मुझे पता है आप सभी लोग वीडियो को देखने में इतने मग्न हो गए होंगे कि अभी तक आपने हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा इस, ताकि इसी तरह का वीडियो आपको आगे भी मिलता रहे सबसे पहले।
चींटियां तो आप सभी ने जरूर देखा होगा, पर क्या आपको पता है चींटियां की कुछ ऐसी स्पीशीज भी है जो इतनी लंबी होती है कि वो एक इंसान के बराबर भी हो सकती है। और आपको पता है अब तक की सबसे बड़ी चींटी 6 फुट की है। अगला जानवर है बैट्स। बैट्स यानी कि चमगादड़। क्या आपको पता है चमगादड़ तो उल्टे लटके रहते, पर इसका सबसे बड़ा वजह क्या है? इसका सबसे बड़ा वजह है क्योंकि वो चल नहीं सकते, क्योंकि उनका पैर इतना पतला होता है। पर आपको पता है जाना बैट्स की कुछ ऐसे स्पीशीज भी है जो जमीन पे चल सकते हैं क्योंकि उनका पैर मोटा होता है। पांडा को तो ड्रैगन बॉल जी में भी दिखाया गया है। आपने कई सारे पांडा के स्पीशीज जरूर देखे होंगे, पर आपको पता है रेड कलर का भी एक ऐसा स्पीशीज होता है जो दिखने में बहुत क्यूट होता है, जो भारत और चीन में भी पाए जाते हैं, और इसका कलर लाल होने के कारण इसे रेड पांडा का नाम दिया गया है। और पालतू कुत्ते की सूंघने की शक्ति इतनी ज्यादा होती है कि इंसानों से लगभग 9 गुना ज्यादा होती है। हाँ जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, और ये इंसानों से ज़्यादा सुन भी सकते हैं। आपको बता दें बंदर की कुछ ऐसी स्पीशीज होती है जो केले छिलकर भी खाती है, और कुछ ऐसे स्पीशीज होते हैं जो बिना केले छिले खाती है। वैज्ञानिक तौर पे तो देखे तो बंदर भी इंसान की ही जाति में आता है, इसीलिए कई सारे बंदर समझदार भी होते हैं। किलर व्हेल जरूर सुना होगा, पर आपको पता है ये डॉल्फिन के स्पीसीज में आते हैं, ना कि व्हेल के स्पीसीज में। फिर भी आप लोग जरूर सोच रहे होंगे कि इसका नाम फिर व्हेल से क्यों शुरू होता है, क्योंकि इसकी लंबाई के कारण। 1 मिनट में व्हेल का दिल केवल 9 बार ही धड़कता है, और कुछ स्पीसीज का तो एक दिन में खाली 1 से 2 बार ही धड़क पाता है दिल। आपने हिरन को तो जरूर देखा होगा, हिरन की आंख इतनी बड़ी होती है ताकि वो आसपास के शिकारियों से बची रहे, और हिरन की आंख रात में चमकने के कारण एक कुछ हद तक रात में भी देख सकती है गाइस, क्योंकि हिरन के आंखों में एक ऐसा लेंस पाया जाता है जिससे वो ज़्यादा रिफ्लेक्ट कर पाता है लाइट को। अफ्रीका के कुछ इलाकों में तितली कई जहरीली भी होती है, जिससे खाली बिल्लियों को खतरा होता है, इसलिए अफ्रीका में तितलियों को बिल्ली से काफ़ी दूर रखा जाता है। जी हाँ गाइस, आपने बिल्कुल सही सुना, अफ्रीका के कई शहरों में ऐसा किया जाता है। बिच्छू, बिच्छू को तो आपने ज़रूर देखा होगा या फिर टीवी में देखा होगा, पर आपको पता है बिच्छू में अगर शराब डाले देंगे तो बिल्कुल पागल हो जाएगा और खुद को आत्महत्या कर लेगा। क्वागा नाम का एक ऐसा जानवर है जो खाली हंसते रहता है, आप इसे कभी भी उदास बिल्कुल नहीं देखेंगे गाइस। ये बिल्कुल एकदम क्यूट जानवर होता है जिसे कोई भी पालना चाहेगा, और ये ज़्यादातर ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में पाया जाता है, इसलिए इसे भारत में नहीं देखा जा सकता। अगर आपको ये चाहिए तो ऑस्ट्रेलिया जाना होगा। सो आज के वीडियो में बस इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपने हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा इस, ताकि आपको ऐसा ही वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। सो जय हिंद एंड जय भारत दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, बाय बाय।